लव्य व्यवस्था अध्याय 19, लव्य व्यवस्था अध्याय 19, भांति भांति का आचार। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। जब तुम यहोवा के लिए मेलबलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। और यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो यह घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है। इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना। अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उसे दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम चोरी न करना और एक दूसरे से न तो कपट करना और न झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। मैं यहोवा हूं। एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना। और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहने पाए। बहरे को शाप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूं। न्याय में कुटिलता न करना और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना। एक दूसरे का कार्य धर्म से करना। लुतरा बनके अपने लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे के लोहू बहाने की युक्तियां न बांधना। मैं यहोवा हूं। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों के बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना। अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना। अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेंटमेंट स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार डाले जाए। पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेंढा दोषबलि के लिए ले आए और याजक उसके लिए किए हुए पाप के कारण दोषबलि के मेंढे के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहे, इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए। और 4वें वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। तब 5वें वर्ष में तुम उसके फल खाना, इसलिए कि उनमें तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम लोहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना और न टोना करना और न शुभ व अशुभ मुहूर्तों को मानना और अपने सिर में घेरा रखकर न मुड़ना
और न अपने गाल के बालों को मुंडाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूं। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूं। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। पके बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूं। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे जो उसको दुख न देना, तो जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे और तुम्हारा परमेश्वर मैं यहोवा हूं। तुम न्याय में और परिश्रम में और तौल में और नाप में कुटिलता न करना। सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से निकालने आया हूं। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूं।